हेलो एवरीवन, सौरभ शर्मा दिस साइड। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। अपनी पिछली वीडियो पे ना बहुत सारे प्यार बरसे थे, उसके लिए थैंक यू। आज की वीडियो में ना आपको पता चलने वाला है कि टॉप ऐसे पांच कौन से मिथ हैं, पांच ऐसे कौन से झूठ हैं जो कि मार्केटिंग के रिगार्डिंग बोले जाते हैं, बट हमको पता नहीं होता कि झूठ है या सच है। बट हम दोनों कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये मार्केटिंग का मिथ है या फिर ये रियलिटी है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच आउट करना, आपको पता चलेगा। अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हो तो आपके वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मार्केटिंग फील्ड में नहीं होना तब भी आपके लिए देखना जरूरी है, बिकॉज आपको आगे चल के कहीं ना कहीं सेल्स मार्केटिंग की जरूरत पड़ने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा वॉच आउट करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मिथ निकल के आता है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग आर द सेम। दोनों सेम है, मार्केटिंग भी सेम है, एडवर्टाइजिंग भी सेम है। कैसे भाई? बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई ये दोनों सेम है, दोनों वर्ड का यूज किया जाता है, बट नहीं, कान में ट्विस्ट है, दोनों डिफरेंट है। मैं बता दूं मार्केटिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है। मार्केटिंग का बेसिक सी मतलब ये है, मार्केटिंग तब की जाती है जैसे कोई प्रोडक्ट है, पानी की बॉटल है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ये दुकान मैंने खोल के बैठी है, सपोज मैंने दुकान खोल के बैठी है, उसे पानी की बॉटल मेरी रखी हुई है और पानी की बॉटल मैंने बाहर लगा के रखी है, और उस एरिया में जिसमें मैंने दुकान खोल रखी है वहां पर सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत होती है, ठीक है। तो अब मेरी जो बॉटल लोगों को दिख रही होगी और मैं बॉटल जानबूझ के पी भी रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ कि भाई ये बॉटल है आप ले सकते हो, अब क्या होता है, सामने वाला, देखो सामने वाले की जब नीड होती है ना, सामने वाला कुछ भी ले लेता है। अब सामने वाले को पता है कि यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, पूरे शहर में किल्लत है और वहीं मैंने दुकान खोल रखी है, ठीक है। अब सामने वाला मुझसे पूछेगा कि पानी बॉटल कितने की है, मुझे लेनी है, क्योंकि उसे तो पानी चाहिए ना, उसे तो पीने के लिए पानी चाहिए, पानी किल्लत है। अब मैंने उसकी मार्केटिंग अपने ब्रांड की बोतल की मैंने मार्केटिंग कर दी सामने वाले के सामने, कुछ नहीं किया, मैं चिपका भी नहीं, सेल्समैन नहीं बना, सामने वाले को नीड थी, मैंने बोतल पकड़ी, मेरी मार्केटिंग कंप्लीट हो गई, मेरा प्रोडक्ट बिक गया। तो ये होती है मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, मैं सिंपल से बताता हूँ। अब मेरी जो पानी की बोतल है ना, मैंने उसके बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए, यहाँ लगवा दिए, वहाँ लगवा दिए, ऐसे ऐसे शहरों में लगवा दिए जहाँ पर पानी की कोई किल्लत नहीं है, ठीक है। अब मैंने वहाँ पर लगवा दिए ना, तो वहाँ मेरा पैसा वेस्ट जाएगा, बिकॉज वहाँ पानी किल्लत है ही नहीं, मुझे तो अपना ब्रांड प्रमोट करना है, बट वहाँ से कोई लेगा कुछ थोड़ी, बहुत थोड़े लोग लेंगे और मेरा पैसा ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी वाइज काम किया जाता है। तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में ये बेसिक से डिफरेंस है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड में ताजा निकल के कि एवरीवन इज योर कस्टमर, हर कोई दुनिया में हर कोई आपका कस्टमर है। सपोज करो कि आपके चाय की दुकान है, ठीक है, सपोज करो कि आपके चाय की दुकान है, अब आप चाहते हो कि ये जो चाय है ना सबको पसंद है यार, मैं तो सब कस्टमर है, मैं तो फैला दूंगा। अब ये आपका ना सबसे बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि सब आपके कस्टमर हो ही नहीं सकते। ध्यान से सुनो इस चीज को, क्योंकि देखो जो कस्टमर को चाहिए ना वो आपके पास है। सबसे पहले ही कस्टमर की ना हमें नीड जाननी होती है, उसे चाहिए क्या। अब तुम दे रहे हो चाय, उसे चाहिए कॉफी, तो चाय लेगा नहीं लेगा ना, सिंपल सी बात है। सामने वाले के बारे में हमें जानना पड़ता है उसकी नीड क्या है और उसे चाहिए क्या, और क्या हम उस प्राइस में उसे दे पा रहे हैं जिस प्राइस में उसे चाहिए। अब सपोज करो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलता हूँ, मुझे एक जूता है, नाइकी का जूता है, नाइकी के जूते की मैंने शोरूम का दुकान खोल रखा है और मुझे बताइए नाइकी तो ब्रांड है यार, बिकेगा बिकेगा, कैसे बिकेगा। अब वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो कि जूते खरीदना चाहते हैं। एक पर्सन मेरी दुकान में गया, उसने जूते देखे, मैंने उसे दिखाया नाइकी का जूता, इतना शानदार जूता वो सब। अब उस पर्सन को जूता चाहिए ही नहीं, उस वेराइटी में नहीं चाहिए, और मैं वो वेराइटी में दिखा रहा हूँ। अब वो पर्सन कह रहे हैं मुझे जूता नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये जूता बढ़िया है, कंपनी का है। उसे कंपनी का चाहिए ही नहीं, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है ना, जब उसे ब्रांडेड जूता चाहिए ही नहीं, उसे लो प्राइस का चाहिए, उसे रहता है कि ब्रांड महंगा होता है, उसके पास जेब में पैसा ही नहीं है और मैं जूता दिखा रहा हूँ फालतू का, मुझे तो लग रहा है कि मेरा कस्टमर है उसे जूता ही चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो सोच है ना उसे चेंज करना पड़ेगा, कस्टमर का क्या नीड है और क्या उसे चाहिए और किस प्राइस पर चाहिए, आपको तीनों मैटर याद रखने पड़ेंगे, तब आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। थर्ड में जो कि बहुत ज्यादा देखा गया मार्केटिंग में, सबसे ज्यादा देखा गया है, वो ये है कि मेरा जो मार्केटिंग का कैंपेन है ना, मेरा जो मार्केटिंग का प्लान है ना, वो सारी कंपनी के लिए वर्क करेगा। भाई मैं लीडर हो गया, मार्केटिंग का जो मैंने प्लान बनाया है वो सारी कंपनी के लिए वर्क करेगा, तो ये रॉन्ग है भाई, इसको निकालो, दिमाग से निकालो। बिकॉज अब मैं सपोज करके एक कॉफी की शॉप खोलता हूँ, ठीक है, अब मैंने कॉफी की शॉप खोली और मुझे पता है कॉफी की शॉप में कॉफी पीने वाले लोग ही चाहिए मुझे, तो मैं कहाँ जाऊंगा, इंस्टाग्राम पे जाऊंगा अपना कैंपेन चला दूंगा कि मुझे कॉफी के रिगार्डिंग, कॉफी जिनको पसंद है वो मेरी शॉप में आए, कॉफी ले जाए और कॉफी पी लें, ठीक है, व्हाटएवर।
तो वहां पे इंस्टाग्राम की मुझे नीड हुई। अब दूसरी जगह टेक्नोलॉजी की कंपनी है एचपी, ठीक है, तो वहां पे ना एचपी को लोग चाहिए जो कि उसकी कंपनी में वर्क कर सके। अब एचपी दिमाग लगाएगा, उसे पता है कि उसके लोग, उसके कस्टमर इंस्टाग्राम पर नहीं है, उसके कस्टमर लिंक्डइन पर है, तो लिंक्डइन पर जाएगा, वहाँ प्रमोट करेगा, वहाँ से अपनी लीड्स लेके आएगा, वहाँ से लोग लेके आएगा, वहाँ से उसके वर्क करेंगे, कस्टमर होंगे। सो इस डिफरेंस को पहचानो कि जो आपका मार्केटिंग का कैंपेन, मार्केटिंग का प्लान है, वो सारी कंपनी के लिए सेम वर्क नहीं करता है, ठीक है, ये आपका मिथ क्लियर हो गया होगा। फोर्थ मिथ जो कि मार्केटिंग में बहुत ज्यादा देखा गया है, सबसे ज्यादा, कि मार्केटिंग में ना कॉम्पिटिशन बहुत है, सेल्स मार्केटिंग में बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत। भाई कॉम्पिटिशन बिल्कुल नहीं है, लिटरली बिल्कुल नहीं है। आपने नोटिस करा होगा कि जितने भी भारत में सबसे ज्यादा लोग हैं ना, वो कहाँ जा रहे हैं, यूपीएससी, आईएएस, बीएससी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जा रहे हैं भाई, कोई नहीं आता सेल्स मार्केटिंग में, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है सेल्स मार्केटिंग में भाई बहुत खतरनाक चीज़ है, बेचना पड़ेगा। तो सेल्स मार्केटिंग में ना कॉम्पिटिशन इसी वजह से कम है। अगर पूरे भारत में सपोज करो 1 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, और कितनी भारत की आबादी देखो, 132 करोड़, वहां पे अगर 5 लाख है तो कॉम्पिटिशन कितना कम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेल्स मार्केटिंग में जो पर्सन वर्क कर रहा है, उसके सक्सेसफुल होने के चांस मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, जिस सड़क पर ज्यादा लोग नहीं है, तो आप उस सड़क पे सिंपली चल जाओगे ना, सक्सेस की तरफ पहुंच जाओगे ना, तो सिंपल सी बात है। अब जो आता है ना फिफ्थ मिथ, ये सबसे ज्यादा, मतलब मैं कह सकता हूँ टॉप मोस्ट है, जो कि सबसे बड़ा मिथ लोग आजकल अपने दिमाग में बना के बैठे, सेल्स और मार्केटिंग सेम होता है क्या? सेल्स मार्केटिंग मतलब सेल्स भी मार्केटिंग, पता है लोगों का क्वेश्चन आता है कि मुझे बेचना पड़ेगा। भाई बेचना क्या, बेचना तो सेल्स होती है, मार्केटिंग कहाँ से होगी, ठीक है। तो मैं आपको आपको बता देता हूँ कि सेल्स और मार्केटिंग क्या होता है, पहले सेल्स का बताता हूँ। देखो सेल्स तो एक मार्केटिंग का पार्ट होता है। अब मेरे पास कोई बॉटल है, शैम्पू की बॉटल है मेरे पास, सपोज करो शैम्पू की बॉटल मैंने बेच दी, ऐसे कस्टमर को बेच दी जैसे उसकी नीड है नहीं है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, मैंने चिपका दिया, माल मेरा बिक गया, मैंने उसे बेच दिया शैम्पू की बॉटल, मेरे को मैंने बेच दी उसे, और मेरे को पैसा आ गया। अब मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मैंने आपको पहले बताया कि मार्केटिंग होता है सामने वाले की नीड है शैम्पू की बॉटल लेने की, उसकी नीड है, अगर शैम्पू की बॉटल लेने की उसकी नीड नहीं है तब भी आप उसे बेच रहे हो तो सेल्स है, और अगर उसकी नीड है और उसे चाहिए, और जो आप शैम्पू की बॉटल बेच रहे हो उसे चाहिए ही चाहिए, तो भाई आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप उसे चिपकोगे नहीं बिल्कुल भी, मैग्नेटिक की तरह वर्क करेगा वो, आपसे खुद कहेगा भाई मुझे शैम्पू की बॉटल दो, मुझे चाहिए, ठीक है। तो खुद की वैल्यू बनाओ, और सेल्स मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है, सेल्स मार्केटिंग नहीं है पूरी, ठीक है। सो ये आपको समझ आ गया होगा कौन कौन से मिथ है। आपको इन पांचों मिथ में से कौन सा जो आपका मिथ था वो शॉर्ट आउट हुआ, क्लियर हुआ, नीचे लिख के बताओ, जिसका कमेंट बेस्ट है उसको पिन मिलेगा मेरी साइड से, और आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा कंटेंट चाहिए वो भी लिखकर बता सकते हो नीचे। वीडियो कैसे लगा, बढ़िया लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।